This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। राइजिंग इंडिया समिट में पीएम मोदी ने किया 2022 के अपने विजन का खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 2022 तक देश की तस्वीर बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक देश के 125 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति से आज न्यू इंडिया का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें देश के सबसे बड़े मीडिया समूह नेटवर्क 18 के राइजिंग इंडिया समिट में कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि राइजिंग इंडिया को मेरे लिए मतलब है देश के 125 करोड़ लोगों के स्वाभिमान को राइज होना, देश के आत्मगौरव का राइज होना। जब इन्हीं 125 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति एकजुट हो जाती है, उनके संकल्प एक हो जाते हैं, तो असाध्य भी साध हो जाता है और असंभव भी संभव हो जाता है। एकजुट हुई यही इच्छा शक्ति आज न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की हर कार्रवाई पर लोगों उन्हें समर्थन मिल रहा है, लिहाजा सरकार कोई भी कदम उठाने में कोई परेशानी नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमारे राजनीतिक विरोधी चाहे जो बोले, लेकिन देश के लोग इसी प्रेरणा की वजह से सरकार बड़े फैसले ले सकी और उन्हें लागू कर दिखाया। जिन फैसलों की सिफारिश दशकों पहले की गई थी, लेकिन उन्हें फाइलों में दबा कर रखा गया था। जो कानून दशकों पहले पास हुआ लेकिन भ्रष्ट तंत्र के दबाव में लागू नहीं किए गए, उन्हें भी सरकार ने लागू किया और अब इन्हीं कानूनों के आधार पर बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग इंडिया समिट में अपने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए कहा कि जो लोग भी विकास के साथ वोट बैंक को जोड़कर देखते हैं वो गलत हैं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि साथियों, आपके यहाँ आने से पहले मैं आज दिन भर मणिपुर में था। उत्तर पूर्व के लिए महत्वपूर्ण अनेक योजनाएँ आज शुरू हुई है। प्रधानमंत्री के तौर पर ये मेरा उत्तर पूर्व का 28वां या 29वां दौरा था। आप सोचिए, आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी सरकार की जोर पूर्वी उत्तर भारत पे है, उत्तर पूर्व पर इतना ज़्यादा है। जो लोग सोचते हैं कि हम वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो ज़मीन से ही नहीं लोगों के दिलों से कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पिछले 4 साल के दौरान मोदी सरकार ने असम में महत्वपूर्ण गैस क्रैकर प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत की, जो पिछले 31 सालों से लंबित था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बिहार के बरौनी और झारखंड के सिंदरी में भी बरसों से बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को खोलने का काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश में 18,000 गांव ऐसे थे जहां तक बिजली पहुंचनी नहीं थी। इनमें से लगभग 13,000 गांव पूर्वी भारत के थे। इन 13,000 गांवों में भी 5,000 गांव नॉर्थ ईस्ट के थे। इन गांवों तक बिजली पहुंचाने का पूरा काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने सौभाग्य योजना शुरू की है। इस पर सरकार 16,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के आर्थिक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, साथियों, अगर अर्थव्यवस्था की बात करो तो पिछले 3-4 वर्षों में भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में को मजबूती दी है। जो देश वर्ल्ड GDP का केवल 3% हिस्सा है, जो आज वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में 7 गुना ज़्यादा योगदान दे रहा है।